ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो होने वाली है मिंत्रा हॉल। तो मैंने रिसेंटली भी मिंत्रा से काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करी है। लाइक अभी सेल चल रही थी इंडिपेंडेंस डे की, एंड काफ़ी सारी सेल्स जो है राइट नाउ चल रही हैं। एंड एक और पॉइंट ऐड करने वाली हूँ आज मैं इस वीडियो में, वो है कैसे आप स्मार्ट शॉपर बने मेरी तरह, कैसे मैंने स्मार्ट शॉपिंग की है आज के हॉल में एंड प्रीवियस मेरे सारे हॉल्स में। सो वो भी मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये जो हॉल है ये मिक्स हॉल है, ये पर्टिकुलरली किसी एक प्रोडक्ट का नहीं है। आपको पता है मैं मिंत्रा से जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है तब से हॉल शेयर कर रही हूँ, एंड लास्ट 6 ईयर्स से मैं मिंत्रा से शॉपिंग कर रही हूँ। तो मिंत्रा की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इनमें जो डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स और कूपन्स मिलते रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट 60-70% जो उसका MRP होता है उससे कम में मिल जाता है। सो इसलिए मुझे मिंत्रा से शॉपिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो अब बात आती है कि आप मेरी तरह कैसे स्मार्ट शॉपर बन सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप लेना चाहते हैं यही सारे प्रोडक्ट्स और भी ज़्यादा डिस्काउंट पे, मतलब सेल पे तो आप ले ही रहे हो मिंत्रा से, बट और ज्यादा डिस्काउंट में आपको कैसे मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा अर्न करो की तरफ से। जैसे कि आपको पता है मेरे को 1.5 या 2 साल हो चुके हैं अर्न करो यूज करते करते। मैं इधर से ही लिंक्स जनरेट करती हूँ, अपने लिए प्रोडक्ट परचेज करती हूँ, उस पर लिंक्स अपने प्रॉफिट लिंक्स जनरेट करके लेती हूँ। इसमें आपको जो है कैशबैक मिल जाता है, आप कोई भी प्रोडक्ट एक परचेज करें तो उस पर जितना भी परसेंट आपका प्रॉफिट होता है वो आपको आपके अर्न करो में मिल जाता है, एंड देन आप उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये मुझे जो शॉपिंग तो मैं कर ही रही हूँ, साथ में सेल के साथ मुझे और डिस्काउंट मिल जाता है अर्न करो पे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हम शॉपर्स के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अर्न करो पे ना आपको काफ़ी सारी वेबसाइट मिल जाती है। सिर्फ मिंत्रा की बात ही नहीं कर रही हूँ, अजियो पे आपको मिल जाता है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मामा अर्थ, इन सब पे काफ़ी सारे डिस्काउंट मिलते हैं, एंड 1500+ आपको आई थिंक वेबसाइट्स मिल जाते हैं इस पे जिनका आप प्रोडक्ट का लिंक जनरेट करके और फिर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो आप जिस पे भी शॉप करें इस अर्न करो पे ज़रूर चेकआउट करें। और अगर आपको नहीं पता है कि अर्न करो क्या है और कैसे आपको कैसे लिंक्स जनरेट करना है, क्या पूरा प्रोसीजर है, उसकी वीडियो मैंने कंप्लीट बनाई हुई है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस वीडियो को चेकआउट करें। जब भी आप शॉपिंग कर रहे हैं मिंत्रा, अमेजोन, किसी से भी, तो आप उस प्रोसीजर को करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और इसमें जो अमाउंट होता है वो मिनिमम 10 रुपीज़ होना चाहिए, तभी आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एंड आई गेस 2 to 7 डेज में, बिजनेस डेज में आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। और बिल्कुल सेफ़ वेबसाइट है, क्योंकि मैं लास्ट 2 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ, तो मैं डेफिनेटली आपको बोल सकती हूँ कि ये बिल्कुल सेफ है। एंड मैं आपको अपना अर्निंग सेक्शन भी दिखा सकती हूँ, आप देख सकते हैं कि मैंने कितना ज़्यादा अर्न किया है सिर्फ अपने लिंक्स जनरेट करके और शॉपिंग करके। तो अगर आप भी अर्न करो पे साइन अप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइन अप का लिंक है, वहाँ से साइन अप करें। तो कुछ एक से दो पॉइंट्स है जो कि मैं क्लियर करना चाहती हूँ, काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं एंड ये चीज़ गलत करके उनको फिर प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ ये चीज़, फिर हम हॉल के साथ स्टार्ट करेंगे। वो ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं अमेजोन की ऐप पे जाते हैं एंड देन वहाँ से प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करते हैं, तो वैसे नहीं होगा। वो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल, मिंत्रा, अजियो, किसी से भी शॉप करना है तो उसकी आपको वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी, फिर चाहे वो अपने आप लैपटॉप में करें या फिर अपने फ़ोन में करें, एंड वेबसाइट से आपको उस प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करना है, एंड देन अर्न करो के लिंक्स जनरेट वाले सेक्शन में जाएं, एंड देन वहाँ पे पेस्ट करके अपना प्रॉफिट लिंक जनरेट करें, फिर उस लिंक को आप ओपन करें, उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करें एंड ऑर्डर प्लेस करें, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि लोग क्या करते हैं, पहले जो कार्ट होता है, जो आपने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर लिए और फिर कार्ट का आप लिंक जनरेट करते हो प्रॉफिट लिंक, कार्ट का लिंक जो होता है वो जनरेट नहीं हो पाता है, इसलिए आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। आपको क्या करना है, या तो आप प्रोडक्ट का 1 by 1 करके लिंक जनरेट करके ऐड टू कार्ट कर प्रोडक्ट, या फिर आपको अपने लाइक मामा अर्थ है, मामा अर्थ का मैंने मेन होम पेज का लिंक कॉपी किया, जनरेट किया प्रॉफिट लिंक, फिर उस प्रॉफिट लिंक पे मैं गई, मैंने ऐड टू कार्ट किया, अपना ऑर्डर प्लेस किया, तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर मैं पहले ऐड टू कार्ट कर दूंगी और फिर मैं ऐड टू कार्ट का लिंक जनरेट करूंगी तो मेरे को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आपको अपने ध्यान में रखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं हॉल के साथ, बहुत ज़्यादा बकबक हो गई है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया H&M को 1 ईयर हो गया है, एनिवर्सरी सेल है, तो मैंने भी ये डिस्काउंट पे बैग लिया। ये है टोट बैग, शॉपर करके इसका नेम है, बहुत ही ब्यूटीफुल बैग है, एंड यू गाइस नो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है इस टाइप के छोटे छोटे से स्लिंग बैग्स, टोट बैग्स, हैंड बैग्स। सो ये काफ़ी ह्यूज है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लाइक आप पिकनिक पर जा रहे हैं
या शॉपिंग ही करने जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा बैग है। बस इसमें मुझे एक नेगेटिव पॉइंट जो लगा वो ये है कि यहाँ पे क्लोज करने के लिए कुछ तो देना चाहिए था, मैग्नेट ही देना चाहिए था, बट कुछ तो देना चाहिए, बिल्कुल ही ओपन बैग है। इसमें अगर आपको कोई भी अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ वॉलेट वगैरह रखना है तो उसके लिए एक इनर पॉकेट दी हुई है, सो कीज़ या फिर वो उसके लिए, तो ये इनर पॉकेट है यहाँ पे। क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है, H&M का है तो उसके हिसाब से क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके जो स्ट्रैप्स हैं ये कुछ इस टाइप के हैं। सो फर्स्ट बैग था ये और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसका प्राइस है 2299 एंड ये मैंने 2000 समथिंग में ही लिया था। सो मिंत्रा पे मैंने भी चेक किया है तो मिंत्रा पे आपको अप टू 8% प्रॉफिट मिल जाएगा मिंत्रा के प्रोडक्ट्स जो आप लिंक जनरेट करके बाय करेंगे। तो H&M पे भी मिनिमम 20% ऑफ मिल रहा है क्योंकि H&M की ये फर्स्ट एनिवर्सरी सेल है। लास्ट ईयर ही H&M जो है मिंत्रा पे आया था, सो इसलिए। सो मैंने ये दो बॉडी वॉशेज लिए हैं, ये मेरे सेकेंड परचेज हैं दो बॉडी शॉप के। दोनों ही बॉडी शार्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वाला है द बॉडी शॉप का स्ट्रॉबेरी शार जेल एंड नेक्स्ट है ये बॉडी शॉप का सत्सुमा शार जेल। ये दोनों ही मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, इनकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी होती है एंड क्या। और ये मैंने भी कुछ डिस्काउंट में ही लिया था क्योंकि सेल पे लिया था। ओरिजिनल प्राइस इसका 325 है और मैंने आई गेस 270 या 80 में ये दो बॉडी शार्स लिए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इसका ब्रिटिश रोज़ भी काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट मैंने ये ओनली का टॉप लिया है, कुछ इस टाइप का है ये टॉप। इसमें मेरा साइज कौन सा था, 38 है, मतलब एम साइज़ है। ये कुछ ऐसे पफ स्लीव्स के साथ आता है। अभी दिखने में आपको शायद इतना अच्छा ना लग रहा हो बट ये वेयर करने के बाद बहुत क्लासी लुक देता है एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया टॉप। पोल्का डॉट के साथ है, फ्रंट में ये ऐसे बटन्स वाली डिटेलिंग है और बिल्कुल सिंपल सा टॉप है बट काफ़ी एलिगेंट लुक देता है। इसका ओरिजिनल प्राइस तो आई थिंक हाँ 1700 रुपीज़ था और मैंने ये 400 समथिंग का लिया था, बहुत ही लो प्राइस पे। सो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे था एंड अगेन नेक्स्ट डे जब मैंने देखा तो वापस 1700 का हो गया था। सो सेल में काफ़ी अच्छे प्राइस पे मुझे ये टॉप मिल गया। नेक्स्ट मैंने ये H&M का एक टॉप भी लिया था, टी शर्ट लिया था और इस टी शर्ट में मेरे पास ब्लैक कलर भी है। सो मेरे को क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी थी इस टी शर्ट की, लाइक एवरी डे के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये ऐसे आपने शायद वीडियो में भी देखा होगा मैं पहनती हूँ, यहाँ पे लव लिखा हुआ है। इसकी जो मटेरियल है वो फेदर की तरह है। समर्स में इस टाइप के टी शर्ट्स काफ़ी कूल लगते हैं एंड ये जो कलर है काफ़ी प्रिटी न्यू पिंक कलर है। ये मैंने लिया था 279 रुपीज़ का, अभी भी शायद 279 का ही है। इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, मैं आपको इसके लिए ज़रूर थम्स अप दूंगी। 279 में आपको इतनी अच्छी टी शर्ट नहीं मिलती है। तो ये एक और मैंने ये H&M का ही लिया। H&M के प्रोडक्ट्स इस टाइप के पैकेज में आते हैं। ये प्लेन ब्लैक टी है और ये जो है ये इतने स्लीव्स में है, 3/4 स्लीव्स में आती है। इसका भी मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक बटरी स्मूथ सॉफ्ट है इसका मटेरियल एंड 799 रुपीज़ का है ये। इसमें कहीं पे कुछ भी नहीं है, जस्ट ये थोड़ा सा बोट नेक में आ जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा बोट नेक में आता है, बट मुझे तो ये टी शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। थर्ड टॉप था ये और टॉप मैंने तीन ही लिए थे, तीन मैंने कुर्ताज लिए थे बट कुर्ता से पहले मैं आपको बैग दिखा दूँ। ये मैंने एक और बैग लिया है, ये है हाइट साइन करके बैग, ये इंडियन ब्रांड है, मेड इन इंडिया पॉन्डीचेरी का करके था। मैंने इस ब्रांड के बारे में थोड़ा रिसर्च किया था क्योंकि इनके बैग्स काफ़ी महंगे थे, एक्सपेंसिव थे और मैंने इस ब्रांड के कभी कुछ लिया नहीं था, तो मैं थोड़ा सा स्पेक्टिकल थी कि क्या कैसा ब्रांड है क्या होगा। तो मैंने ये बैग लिया है इसी ब्रांड से, हाइट साइन से एंड इसका प्राइस था ओरिजिनल 5800 रुपीज़ बट मैंने ये लिया 2600 या 700 रुपीज़ का 50% ऑफ पे। कुछ इस टाइप का है ये बैग, इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स थे और कुछ इस यहाँ पे जो है ब्रांड का नेम मेंशन किया हुआ है और कुछ इस तरीके से ये ओपन होता है और ये ज़्यादा स्पेशियस तो नहीं है, आप देख ही सकते हैं, बट अगर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी है तो इसमें आ जाएगा थोड़ा बहुत सामान, तो आ ही जाएगा थोड़ा बहुत मेकअप का, थोड़ा वॉलेट, कुछ चाबियाँ वहाँ पर आ जाएंगी। सो इसके अंदर दो कंपार्टमेंट्स हैं, एक तो ये कंपार्टमेंट है और दूसरा ये कंपार्टमेंट है। सेंटर पार्टीशन में चेन है और यहाँ पे एक और चेन है, ये रहा,
ये थोड़ा सा टाइट बैग है तो इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। और इसका जो पैटर्न है कुछ क्रोकोडाइल पैटर्न करके था मेंशन किया हुआ उस पर, ये पैटर्न का मेरे पास एक भी बैग नहीं था तो इसलिए मेरा मन था कि मैं कुछ ऐसा लूँ। एंड ये ब्लैक कलर, आई डोंट नो कैसा कलर दिख रहा है बट ये डार्क पर्पल कलर है, काफ़ी ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट कलर है। बैक साइड में इसमें ऐसी चेन दिया हुआ है, ये मुझे चेन इस टाइप की बहुत पसंद है क्योंकि इनमें आपको लाइक फ़ोन वगैरह रखने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ये रहा ब्रांड का नेम और मेड इन इंडिया है, सो आई थॉट कि ठीक है ट्राई देते हैं। वारंटी पॉलिसी करके इसमें आई थिंक वारंटी है इसकी शायद, वो मैंने अभी चेक नहीं किया है। बट इसमें कलर था गोल्डन कलर, मरून कलर, ब्लैक कलर, तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। अगर आप एक इंडियन ब्रांड के बैग को ट्राई देना चाहते हैं तो हाइटसाइन के बैग को ज़रूर ट्राई दें। इसके बाद जो तीन कुर्तीज़ मैंने ली है, ये तो मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ राखी पे, और ये लिबास ब्रांड का है, एम साइज़ है इसमें, और ये काफ़ी ट्रेंडी है। मतलब आप मिंत्रा पे सर्च करो कुर्ती तो ये आपको कुछ टॉप में ही दिख जाती है, टॉप पे आपको मिलेगी। इसका जो मटेरियल है ये कॉटन का है, बिल्कुल भी 1% भी इसमें मुझे गर्मी नहीं लगी उस दिन राखी वाले दिन, मैंने पूरे दिन वेयर किया था। और इसमें ये थ्रेड के साथ डिटेलिंग है विद दिस चमकीला सा थिंग, बहुत ही लॉन्ग कुर्ती है ये इसकी। नेक्स्ट जो दूसरी कुर्ती है वो है ये सादगी ब्रांड की। सादगी ब्रांड में आपको लखनवी कढ़ाई वाली कुर्तीज़ मिल जाती हैं, तो मैंने दो ली हैं सादगी की कुर्तीज़। ये है कुछ इस टाइप की, ये प्योर कॉटन में है, इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है, इसका ओरिजिनल प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। सादगी की कुर्तीज़ आपको काफ़ी महंगी मिलती हैं बट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इनकी। इसका प्राइस है 1829 बट ये आपको आई गेस 800 या 900 में मिल जाएगी। आजियो पे भी आप चेक कर सकते हैं एंड मिंत्रा पे भी, क्योंकि दोनों ही जगह हैं सादगी ब्रांड एंड कभी कभी आजियो पे आपको कम प्राइस में मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स। सो ये कुर्ती है, काफ़ी ब्यूटीफुल कुर्ती है, ब्लैक पे इतना सुंदर सुंदर इस पर ये कलरफुल कढ़ाई हो रखी है, ये वर्क मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सेकेंड कुर्ती थी ये, थर्ड एंड लास्ट प्रोडक्ट वह ये भी सादगी का कुर्ता है एंड इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन, लाइट ग्रीन, लाइट येलो, लाइट पिंक, लाइट ब्राउन, लाइट ब्लू, तो बहुत सारे कलर्स थे इसमें। मैंने ये लाइट बेबी पिंक कलर चूज़ किया। ये कुछ इस टाइप का है कुर्ती, इसमें स्लीव्स कुछ इस टाइप के हैं, फ्रंट में ये एम्ब्रॉयडरी मतलब वर्क है कढ़ाई वाला और फ्रंट में कुछ ऐसा है। ये कुर्ता मुझे काफ़ी बड़ा आया है, बहुत ही बड़ा साइज़ आया है, मतलब मेरा इसमें एम साइज़ मैंने लिया था बट मुझे काफ़ी लूज़ हो रहा है तो आई थिंक मुझे दोनों का ही एस साइज़ ऑर्डर करना है। सो मैं थोड़ा एक्सचेंज में इनको डालने वाली हूँ। आई डोंट नो क्यों, मतलब सादगी का साइज़ वन साइज़ बड़ा आता है तो आप अपना साइज़ वन साइज़ स्मॉलर लेना जो भी आप लेते हैं। नीचे भी इस टाइप का स्लीव्स जैसा ही है, इसका वर्क बहुत अच्छा है, इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। इसका ओरिजिनल प्राइस है 2759 बट आपको ये 1700-1800 में मिल जाती है मिंत्रा पे एंड आजियो पे भी चेकआउट कर लेना, मैं लोएस्ट का ही लिंक दूंगी आपको। सो लास्ट कुर्ती थी ये एंड या इतने ही प्रोडक्ट्स मैंने बाई किए थे मिंत्रा से, और भी मैंने दो H&M के टॉप किए हुए हैं वो मुझे रिसीव नहीं हुए अभी तक तो इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई। अगर आप लेना चाहते हैं H&M का या मिंत्रा का कोई भी प्रोडक्ट तो ज़रूर चेकआउट करें मिंत्रा पे। मिंत्रा पे अभी भी आपको डिस्काउंट्स और ऑफर्स मिल जाएंगे, साथ साथ आपको फिर अर्न करो पे भी कैशबैक मिल जाता है, तो ओवरऑल आपको आपके जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे। और अर्न करो पे अगर आप साइन अप अभी तक आपने नहीं किया तो साइन अप कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक ऐड कर दूंगी। सो या आई होप आपको हॉल पसंद आया होगा, ये ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय।